नमस्कार दोस्तों, नमस्कार 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 दोस्तों, मेरा नाम इंजीनियर विनय राय है और आप देख रहे हैं कैरियर डिफेंस स्कूल अंबाला। दोस्तों आज इस नई वीडियो में हम लोग बात करेंगे गुरुकुल कुरुक्षेत्र के बारे में। गुरुकुल कुरुक्षेत्र एक ऐसा स्कूल है जिसको लेकर के पेरेंट्स बहुत ज्यादा एग्रेसिव रहते हैं, बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं। मैं आपको बता दूं कि सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा जो इंटरेस्ट लेते हैं जो पेरेंट, उनमें ये स्कूल आता है। जैसे आपका सैनिक स्कूल हो गया, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल हो गया, आपका गुरुकुल कुरुक्षेत्र हो गया, RIMC देहरादून हो गया, ये कुछ ऐसे स्कूल है जिसमें पेरेंट्स काफी इंटरेस्ट लेते हैं। तो आज इसका एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन निकल चुका है। तो आज का मेरा टारगेट क्या रहेगा, आपको इस नई वीडियो में हम लोग बात करेंगे गुरुकुल कुरुक्षेत्र के बारे में। तो और सबसे अच्छी बात क्या है गुरुकुल कुरुक्षेत्र में, कि आपका बच्चा अगर फोर्थ क्लास में पढ़ रहा है तो फिफ्थ क्लास में एडमिशन मिल जाएगा। एज का कोई पंगा नहीं होता यहाँ पे, सबसे अच्छी बात यह है। तो ऑनलाइन जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो निकल चुके हैं और कोई भी बच्चा इसका फॉर्म ऑनलाइन जाकर के भरवा सकता है। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। आगे चलते हैं और बात करेंगे कि गुरुकुल कुरुक्षेत्र में फिफ्थ क्लास में आपको एडमिशन मिलेगा। फिफ्थ से लेकर के इलेवेंथ क्लास तक कोई भी बच्चा अप्लाई कर सकता है। और गुरुकुल के लिए जो लड़कों का स्कूल होता है, जैसे गुरुकुल कुरुक्षेत्र में सिर्फ लड़कों को एडमिशन मिलता है, ऐसे ही गुरुकुल लड़कियों के लिए अलग है। जब उसका एप्लीकेशन फॉर्म निकलेगा, मैं आपको वादा करता हूं सबसे पहले आपको उसकी जानकारी दी जाएगी। तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके गुरुकुल के बारे में जो भी जानकारी लेना चाहते हैं, गुरुकुल की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसका लिंक हमने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक डाल दिया है। इसके अलावा जो नोटिफिकेशन आई है, गुरुकुल एक आपको बता दूं करीब 108 साल पुराना एक ट्रस्ट का स्कूल है जो समाज के लिए, देश के लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है। और सिर्फ बच्चों को 1,25,000 रुपए में तैयारी करवाई जाती है, जहां पे रहना पीना खाना बुक्स बैग मटीरियल ड्रेस बच्चों को हॉर्स राइडिंग ये सारी चीजें बच्चों को प्रोवाइड किया जाता है। तो अगर आप एक छोटे परिवार से बिलोंग करते हैं, आपके पास बहुत अधिक पैसा नहीं है बच्चों को तैयारी करवाने के लिए, तो गुरुकुल एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। सैनिक स्कूल में भी करीब 1,40,000 1,50,000 रुपए का खर्चा आता है। तो जिन बच्चों को सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल में एडमिशन नहीं मिल पाता है, वो बच्चे आंख बंद करके गुरुकुल कुरुक्षेत्र में एडमिशन करवा सकते हैं। फिफ्थ से लेकर के सेवेंथ क्लास के बच्चों का जो एग्जाम है वो 21 मार्च 2021 को कंडक्ट किया जाएगा। ये पेपर आपका सब्जेक्टिव है और गुरुकुल कुरुक्षेत्र में जाकर के आपको ये पेपर देना पड़ता है। अगर मैं बात करूं एट्थ नाइन्थ और इलेवेंथ क्लास के बच्चों की, तो 28 मार्च को पूरे ऑल ओवर इंडिया लेवल पे पेपर कंडक्ट किया जाता है। तो चाहे आपके घर परिवार में कोई लड़का है लड़की है, गुरुकुल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। गुरुकुल कुरुक्षेत्र में लड़कों का एडमिशन होता है और ऐसे ही चमन वाटिका गुरुकुल जो है वो लड़कियों के लिए बनाया गया है। तो आप दोनों की जानकारी हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके ले सकते हैं। अगर हम लोग बात करें तो 10 मार्च तक आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, लास्ट डेट के चक्कर में ना पड़े। लास्ट डेट में क्या होता है, साइट बहुत ज्यादा स्लो हो जाती है, डाउन हो जाती है। बहुत सारे हमारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो लास्ट के 2-3-4 दिनों में फॉर्म भरते हैं, हमें पेमेंट देते हैं और उसके बावजूद उनका फॉर्म नहीं भरा पाता है। क्यों नहीं भरा पाता है, क्योंकि लास्ट मोमेंट में साइट डाउन हो जाती है, लास्ट मोमेंट में पेमेंट ट्रांजेक्शन नहीं होती है, क्योंकि लास्ट मोमेंट में ही हिंदुस्तान के 90% जो पेरेंट्स हैं वो फॉर्म भरते हैं, दिक्कतें आ जाती हैं। और अगर आप लेट फीस के साथ भरना चाहते हैं तो लेट फीस जो है वो 1,000 रुपया लगेगा और आप 11 मार्च से लेकर के 15 मार्च के बीच में अपने बच्चे का गुरुकुल का एप्लीकेशन फॉर्म भरवा सकते हैं। आप हमारी मदद लेकर के भी बच्चे का एप्लीकेशन फॉर्म भरवा सकते हैं। सबसे अच्छी बात क्या है कि अगर कोई पेरेंट्स हमारे माध्यम से बुक्स लेते हैं तो उनको गुरुकुल का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो बिल्कुल फ्री भरा जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि जो अभी बच्चे फोर्थ क्लास में पढ़ रहे हैं वो फिफ्थ क्लास के लिए, जो बच्चे फिफ्थ क्लास में पढ़ रहे हैं वो सिक्स्थ क्लास के लिए, जो बच्चे सिक्स्थ क्लास में पढ़ रहे हैं वो सेवन्थ क्लास के लिए, और जो बच्चे सेवन्थ क्लास में पढ़ रहे हैं एट्थ क्लास के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर कोई बच्चा अभी एट्थ में पढ़ रहा है तो नाइन्थ क्लास में एडमिशन ले सकता है, अगर कोई बच्चा अभी टेंथ क्लास में पढ़ रहा है तो वो इलेवेंथ क्लास में एडमिशन ले सकता है। इलेवेंथ क्लास में आपको मेडिकल स्ट्रीम, नॉन मेडिकल स्ट्रीम, कॉमर्स और आर्ट्स सभी तरह की स्ट्रीम्स आपको मिल जाएंगी। बट सवाल ये आता है कि अगर आप पॉजिटिवली तैयारी नहीं करवाएंगे तो आपको दिक्कत आएगी, फॉर्म भरवाने का कोई फायदा नहीं है अगर आप प्रॉपर तरीके से बच्चे को ट्रेनिंग नहीं दे रहे हैं। अगर आपको लगता है कि आप अंबाला नहीं आ सकते हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको हॉस्टल में तैयारी करवाना महंगा पड़ता है, तो आप अपने बच्चे को लाइव क्लासेस के माध्यम से
हर रोज 10 घंटे की लाइव क्लासेस दे सकते हैं सुबह 8 बजे से लेकर के 2 बजे तक, और शाम को 3 बजे से लेकर के 7 बजे तक आपका बच्चा लाइव क्लासेस के माध्यम से घर पे बैठ करके तैयारी कर सकता है। आगे चलते हैं, फीस की बात करें तो 1,25,000 रुपए पूरे साल भर की फीस होती है। जो अच्छी बात क्या है कि मैं आपको बता दूं कि गुरुकुल में सिर्फ 8,000 रुपए पर मंथ फीस चार्ज किया जाता है। अगर हम लोग रहना पीना खाना बुक्स बैग मटेरियल ड्रेस सब कुछ अगर मैं इंक्लूड करूं तो मोटा मोटा आप ये मान के चलिए कि 1,25,000 रुपए फीस यहाँ पे करना पड़ता है। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है जी। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, हमारी टीम आपको रिप्लाई करेगी और आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके डायरेक्टली जानकारी ले सकते हैं। सवाल ये आता है कि सर गुरुकुल में एडमिशन करवाने के लिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स रेडी करना है। तो गुरुकुल में आप जब भी एडमिशन करवाएंगे आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि हर बच्चे के पास बर्थ सर्टिफिकेट होता है। बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो बच्चे के पास आधार कार्ड होना चाहिए। उसके बाद अगर आपका बच्चा सेलेक्ट होता है तो आपको जिस स्कूल से आप पढ़ रहे हैं उसका TC लेकर के आना है। उसके बाद जिस क्लास में आपका बच्चा पढ़ रहा है, अगर आपका बच्चा फोर्थ में है, फिफ्थ में एडमिशन लेना चाहता है, तो फोर्थ क्लास की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए और TC होनी चाहिए। उसके बाद मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपको जरूर लेकर के आना है, क्योंकि कोई भी स्कूल जो बोर्डिंग स्कूल है वो बिना मेडिकल सर्टिफिकेट के एडमिशन नहीं देगा, क्योंकि बच्चे को मान लीजिए किसी तरह की दिक्कत है प्रॉब्लम है और बाद में बच्चा हॉस्टल में जाता है तो स्कूल वालों को दिक्कत आ जाती है। तो आपको ये समझना है कि मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपको बिल्कुल सही बनवाना है, सही तरीके से बनवाना है, और आपको बताना है कि हम अपने बच्चे को बोर्डिंग स्कूल में भेज रहे हैं इसलिए हमें मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बनवाना है, ताकि डॉक्टर भी प्रॉपर तरीके से प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन ले करके प्रॉपर जो सर्टिफिकेट आपका रेडी करे। पासपोर्ट साइज फोटो जो है वो आपकी रिसेंट होनी चाहिए, बहुत ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। कई पेरेंट्स क्या करते हैं 8 महीने पुरानी 6 महीने पुरानी फोटो लगा देते हैं और ऐसे केसेस में क्या होता है कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। अगर हम लोग बात करें रिजर्वेशन क्राइटेरिया की, तो गुरुकुल में जो ज्यादातर सीट्स हैं वो हरियाणा के बच्चों को दी जाती है और जो अदर स्टेट्स के बच्चे हैं उनके लिए सीट्स काफी कम होती हैं। बट मोटा मोटा आप ये मान के चलिए कि हमारे स्कूल से हर साल गुरुकुल के बहुत बच्चे सेलेक्ट होते हैं, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए मैं हमेशा पेरेंट्स को समझाता हूँ, हर बच्चा सैनिक स्कूल में सेलेक्ट नहीं हो सकता है, मिलिट्री स्कूल में सेलेक्ट नहीं हो सकता है, लेकिन गुरुकुल में जो बच्चे तैयारी करते हैं अगर सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल में बच्चा नहीं हो पाता है तो गुरुकुल आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि फीस बहुत कम होती है यहाँ पे। 1,25,000 रुपये में आपको अगर ऐसा स्कूल मिल रहा है, आपको बता दूं कि 100 एकड़ से भी बड़ा कैंपस है, तो आपके बच्चे को ऐसी जगह पे पढ़ने का फायदा मिलता है। यहाँ के जो प्रिंसिपल है आपको बता दूं कि वो भी हमारे जो रिटायर्ड कर्नल साहब हैं, तो वो भी यहाँ पे बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं, जो भी गाइडेंस है मोटिवेशन है। आगे NDA में हर साल मैं आपको बता दूं कि 20 बच्चे जो हैं हर साल 19-20 स्टूडेंट जो है वो NDA का पेपर क्लियर करते हैं, तो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। क्योंकि नॉर्मल स्कूल्स में पूरे साल भर में अगर कोई एक बच्चा भी पेपर NDA का क्लियर कर ले तो बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन गुरुकुल में हर साल 20 बच्चे बड़े आराम से NDA का पेपर निकाल देते हैं, बहुत ही नॉर्मल। तो अगर आपको लगता है कि गुरुकुल की तैयारी आपको करवानी चाहिए तो आप एक साल के लिए प्रॉपर प्लानिंग कर सकते हैं। आप हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करो, स्कॉलरशिप के बारे में पता करो, क्या पता आपके बच्चे को स्कॉलरशिप के माध्यम से बिल्कुल फ्री पढ़ने का मौका मिले। और आपको मैं बता दूं एक गुड न्यूज़, 2021 में हमारे विद्यालय में 100 बच्चों को बिल्कुल फ्री पढ़ाया जा रहा है स्कॉलरशिप के माध्यम से। 2020 में कोरोना की सिचुएशन में भी हमने करीब करीब 50 बच्चों को फ्री पढ़ाया है स्कॉलरशिप के माध्यम से। तो टारगेट क्या रहता है कि जो अच्छे बच्चे हैं वो हर स्कूल को चाहिए, हर स्कूल को अच्छे रिजल्ट चाहिए, और ऐसे बच्चों को हम खींच करके ला रहे हैं स्कॉलरशिप के माध्यम से। तो आपको बता दूं कि हमारे विद्यालय में जो फीस है वो बहुत कम है, 1,00,000 रुपए में रहना पीना खाना, एज के अकॉर्डिंगली बच्चों का फॉर्म भरा जाता है, 15 बुक्स का सेट आपको फ्री मिलता है, आपको वीकली ऑनलाइन टेस्ट मिलता है, यानी आपका सारा खर्चा इंक्लूडेड होता है। आपको करना क्या है, सिर्फ हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके जानकारी लेना है। आगे चलते हैं, काफी सारे पेरेंट्स के मन में ये सवाल होता है कि सर जो एंट्रेंस एग्जाम है, आप समझिए इस चीज को, जो एंट्रेंस एग्जाम है उसके बारे में प्रॉपर जानकारियां पेरेंट्स को कई बार नहीं होती हैं। तो 100 मार्क्स का पेपर होता है, जिसमें मैं आपको बता दूं कि 100 मार्क्स में जिसमें आपका 25 नंबर का इंग्लिश, 25 नंबर का मैथ्स और 25 नंबर का आपका साइंस आता है, 15 नंबर में का आपका सोशल आता है और 10 नंबर का आपका हिंदी आता है। तो गुरुकुल का जो पेपर होता है वो कंपैरेटिवली सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल के इजी होता है। जो बच्चे सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल की तैयारी करते हैं ऐसे बच्चों के लिए गुरुकुल का पेपर निकालना काफी इजी होता है। बट
ये चीज आपको समझना है कि अगर आपके बच्चे ने प्रॉपरली 1 साल 1.5 साल अगर सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल की तैयारी करी है तो आपका बच्चा आंख बंद करके गुरुकुल का पेपर निकाल सकता है। तो दिसंबर से लेकर के मार्च तक आप जानकारी ले सकते हैं और 100 मार्क्स का जो पेपर आता है मैंने आपको बता दिया है, 25 नंबर का इंग्लिश, 25 नंबर का मैथ्स, 25 नंबर का साइंस, 15 नंबर का सोशल और 10 नंबर का हिंदी। तो जिस भी क्लास में आपका बच्चा पढ़ रहा है उसी क्लास के सवाल जवाब बच्चे से पूछे जाते हैं। पेपर आपका पूरा सब्जेक्टिव आता है, लिखने वाला आता है, तो इसमें आपके बच्चे की हैंडराइटिंग बहुत मैटर करती है, बच्चा पेपर को अटेम्प्ट कैसे करता है, कौन सा पेपर बच्चा पहले अटेम्प्ट करता है, कौन सा बाद में अटेम्प्ट करता है, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। और अगर आपको लगता है कि आप अंबाला नहीं आ सकते हैं, अपने बच्चे को लेकर के नहीं आ सकते हैं, हॉस्टल में नहीं पढ़ा सकते हैं, या जिस स्कूल में आपका बच्चा पढ़ रहा है अगर आप वहाँ से TC नहीं करवाना चाहते हैं तो आपका बच्चा शाम को इवनिंग क्लासेस लगा सकता है, जिसमें आपके बच्चे को शाम को लाइव क्लासेस मिलेंगी, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, 15 बुक्स का सेट मिलेगा। और जो भी बच्चे हमारे स्कूल में इवनिंग क्लासेस लगाते हैं ऐसे बच्चों का एज के अकॉर्डिंगली 3 फॉर्म बिल्कुल फ्री भरा जाता है, ठीक है, चाहे आप वो पेरेंट्स की मर्जी होती है, 3,000 रुपये में आप कोई भी 3 फॉर्म, जैसे सैनिक स्कूल का फॉर्म है 1,000 रुपये का, मिलिट्री स्कूल का फॉर्म भी 1,000 रुपये का होता है, गुरुकुल का फॉर्म भी 1,000 रुपये का, RMC देहरादून का भी, तो कोई भी 3,000 रुपये का 3 फॉर्म आप भरवा सकते हैं। कई बार पेरेंट्स कहते हैं कि आप हमारा ओक ग्रोव स्कूल का फॉर्म भर दीजिए या आप आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई का, तो वो फॉर्म काफ़ी महंगा होता है, तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आप ओक ग्रोव स्कूल का फॉर्म भरवाते हैं तो वो आपका 2,000 रुपये का फॉर्म भरा जाता है, तो फिर ऐसे केस में आप 3 फॉर्म नहीं भरवा पाएंगे क्योंकि ओक ग्रोव स्कूल का ही फॉर्म सिर्फ 2,000 रुपये का भरा जाता है, और आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई का जो फॉर्म है आर्मी वालों का 2,500 रुपये और सिविलियंस का 4,500 रुपये फॉर्म की फीस लगती है, तो उसके लिए फिर क्या होता है कि हम लोग अलग से पेमेंट चार्ज करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर आप गुरुकुल के रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स लेकर के घर में बैठ करके तैयारी करना चाहते हैं तो इसमें अच्छी बात क्या है कि आपको पूरा कंप्लीट रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर मिल जाएगा सिर्फ 10,000 रुपये में, और आपका बच्चा घर पे बैठ करके 5,000 रुपये का बच्चे को एक अच्छा सा मोबाइल दिलवा दीजिए, आजकल 5-6 हज़ार रुपये में बहुत अच्छे मोबाइल फ़ोन मिल जाते हैं, और आपका बच्चा घर पे बैठ करके रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर, और अच्छी बात क्या है इसके अंदर आपको 15 बुक्स का सेट भी मिलेगा गुरुकुल का, आपका गुरुकुल का फॉर्म भी फ्री भरा जाएगा, पिछले 10 सालों के सॉल्ट सैंपल पेपर, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। तो आगे चलते हैं और बात करते हैं, अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं दिसंबर से लेकर के मार्च तक तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं, ठीक है जी। देखते हैं, कुछ सवाल जवाब ले लेते हैं काफ़ी सारे पेरेंट्स, आपको बता दूं कि काफ़ी सारे पेरेंट्स जो हैं वो बार बार राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के फॉर्म के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं। सैनिक स्कूल का फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो 18 दिसंबर है, जैसे ही सैनिक स्कूल का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ही NTA जो है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है वो ऑनलाइन राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का एप्लीकेशन फॉर्म निकलेगा। कई पेरेंट्स क्या कर रहे हैं कि जो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का एप्लीकेशन फॉर्म है वो खुद ही कई पेरेंट्स क्या कर रहे हैं DD बना करके भेज दे रहे हैं, ऐसा आप मत कीजिए क्योंकि आपके वो जो 600 रुपये राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के एप्लीकेशन फॉर्म के वो ख़राब हो जाएंगे, तो आपको ये समझना है कि आपको इंतज़ार करना है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के फॉर्म के लिए। और जो भी पेरेंट्स लाइव आ चुके हैं जल्दी से जल्दी चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आपको इस तरह की नई नई जानकारियाँ मिलती रहें। जो भी फॉर्म निकलते हैं मैं आपको वादा करता हूँ, पिछले 4 सालों से लगातार मैं वीडियोज़ बना रहा हूँ और मेरा टारगेट क्या होता है मेरे पेरेंट्स को सबसे पहले जानकारी मिले, और हम लोग सिर्फ छोटे बच्चों के ऊपर काम करते हैं। आपको बता दूं कि 6 साल से लेकर के जो 18 साल के बच्चे हैं यानी जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं उन छोटे छोटे बच्चों के ऊपर हम लोग काम करते हैं। राकेश सिंह जी, फीस के बारे में जो भी जानकारी आपको चाहिए वो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 7419999228 पर कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं। शिव पूजन जी का मैसेज आ चुका है, ओक ग्रोव स्कूल के फॉर्म के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, 12 दिसंबर फॉर्म भरने की लास्ट डेट थी जिसको बढ़ा करके 31 दिसंबर कर दिया गया है। तो प्रसाद जी, आप अपने बच्चे का, गुड़िया का, बेटे का ओक ग्रोव स्कूल का एप्लीकेशन फॉर्म भरवा सकते हैं, किसी भी तरह की दिक्कत आती है आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। वीरेंद्र सिंह जी का मैसेज है, सर मेरा बेटा आपका फैन है, वो आपसे मिलना चाहता है, आपके स्कूल में एडमिशन लेना चाहता है। वीरेंद्र जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ही प्यारा मैसेज किया है, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। आप जब भी हमारे स्कूल में आना चाहते हैं मोस्ट वेलकम, लेकिन मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है
कि पहले आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कीजिए, सारी अच्छे से जानकारी लीजिए, चीज़ों को अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आए ताकि आपका और मेरा रिलेशन अच्छा बने। ठीक है जी, क्या क्या चीज़ें फीस में इंक्लूड है, क्या क्या चीज़ें नहीं है, वो आपको सारी जानकारी मिल जाए। आप स्कूल में आइए, मोस्ट वेलकम सर, और हम लोग बच्चों से हमेशा मिलते हैं, तो आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। सारे मोटिवेशनल सेमिनार मैं खुद लेता हूँ, हमारी जो प्रिंसिपल मैडम है, डायरेक्टर मैडम है, और मैं खुद डायरेक्टली बच्चों से मिलता हूँ और बच्चों को मोटिवेट करता हूँ। रावत जी का मैसेज आया, सैनिक स्कूल घोड़ाखाल में डिफेंस का कट ऑफ कितना होता है? देखिए, चाहे वो डिफेंस वाले हों, जर्नल वाले हैं, 300 नंबर का पेपर होता है। घोड़ाखाल में हर साल कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जाता है, एक यूपी बिहार और घोड़ाखाल में। तो मैं आपको बता दूं कि 300 में से कम 250 नंबर का टारगेट लेकर के चलो, तभी आपको एडमिशन मिल पाएगा, अदरवाइज कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है जी, और हमेशा थोड़ा सा लॉन्ग टर्म प्लानिंग करो। कई सारे हमारे जो पेरेंट्स हैं, भाई बंधु हैं, वो हमेशा शॉर्टकट मारने के चक्कर में रहते हैं। सपने तो बेचारे बड़े बड़े देखते हैं, लेकिन वो सोचते हैं बस एक महीना तैयारी करवा लेंगे, बच्चा अफसर बन जाएगा। एक महीना तैयारी करवाएंगे, दो महीना तैयारी करवाएंगे, बच्चा हमारा क्या नाम है, लेफ्टिनेंट बन जाएगा। तो ऐसे मुंगेरी लाल के सपने देखने का कोई फायदा नहीं है। मैं हमेशा पेरेंट्स को गाइड करता हूँ, थोड़ा सा लॉन्ग टर्म तैयारी करवाओ, बच्चे को कम से कम एक साल जरूर तैयारी करवाओ। ठीक है जी, कम से कम 2 से 3 महीना बेसिक्स क्लियर होगा, दिसंबर से लेकर के मार्च तक के लिए आप तैयारी करवा सकते हैं। दिसंबर से लेकर के मार्च तक की फीस जो है वो सिर्फ 50,000 रुपये है, जिसमें आपका रहना, पीना, खाना, बुक्स, बैग, मटेरियल, ड्रेस, हॉर्स राइडिंग, ये सारी चीज़ें, आपकी स्मार्ट क्लासेस, सब कुछ आपका इंक्लूड है। और ये कुछ बच्चे हैं जो स्कॉलरशिप के माध्यम से हमारे विद्यालय में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ रहे हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जो भी पेरेंट्स आना चाहते हैं, विजिट करना चाहते हैं, पहले आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करो। और मैं आपको बता दूं कि 2021 में मार्च में स्कॉलरशिप टेस्ट कंडक्ट किया जा रहा है। 2018 में हमने 11 बच्चों को फ्री पढ़ाया, 2019 में हमने 31 बच्चों को, 2020 में हमने 51 बच्चों को, कोरोना जैसे सिचुएशन में भी हमने टॉप 51 बच्चों को सेलेक्ट किया, और उनकी फोटोज आपकी स्क्रीन के ऊपर है। ठीक है जी, तो अब हमारा टारगेट क्या है, हमारा जो टारगेट है वो 2000, ध्यान से समझिए, 2021 में हम लोग टारगेट कर रहे हैं, 100 बच्चों को फ्री पढ़ाएंगे। आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ अपने बच्चे का स्कॉलरशिप के लिए रजिस्ट्रेशन करवाइए, कम से कम इतना विश्वास रखिए कि आपका बच्चा टॉप 100 स्टूडेंट में तो आ ही सकता है। तैयारी करवाओ, जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करवाओगे आपको बुक्स मिल जाएंगे। तो आपको बता दूं कि दोपहर को 12 बजे आपका एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। आपका बच्चा 20 मार्च, 21 मार्च, 27 मार्च, 28 मार्च और 3 अप्रैल, 4 अप्रैल को आ सकता है, पेपर दे सकता है। ये कुछ हमारे रिजल्ट्स हैं आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई के, गुरुकुल कुरुक्षेत्र के, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल के, जो बच्चे ऑलरेडी यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ के, ओक ग्रोव स्कूल के, जवाहर नवोदय विद्यालय और किट्टूर सैनिक स्कूल के लिए। आगे चलते हैं, निखिल जी का मैसेज है, सर आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई में आर्मी वालों के बच्चे की फीस कितनी लगती है? 1,58,000, यानी करीब करीब 1,60,000 रुपये करीब करीब खर्चा आता है। जो सिविलियंस हैं 3,24,000 रुपये का खर्चा आता है, लेकिन जो आर्मी वाले हैं उनकी फीस बहुत कम है, 1,60,000 रुपीज़ आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई के हिसाब से बहुत बहुत कम है। और अगर आपको मौका मिले तो जरूर फॉर्म भरवाइए, 31 दिसंबर फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। रावत जी का मैसेज, सैनिक स्कूल में डिफेंस वालों के लिए क्या बेनिफिट है? डिफेंस वालों को, अगर कोई भी बच्चा सैनिक स्कूल में पढ़ता है तो डिफेंस वालों को, पैरामिलिट्री फोर्सेस वालों को 80,000 से 90,000 रुपये तो सरकार की तरफ से वैसे ही वापस मिल जाते हैं। ठीक है जी, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आर्मी वालों के लिए, डिफेंस वालों के लिए 25% जो सीट्स हैं वो रिजर्व्ड है। जो भी आप पढ़ाई लिखाई का खर्चा देते हैं सरकार को, वो पूरा पैसा आपको वापस मिल जाता है। मालविका जी का मैसेज है, सर आरआईएमसी देहरादून का रिजल्ट कब आएगा? एग्जाम होने के ठीक 3 महीने के अंदर आरआईएमसी देहरादून का रिजल्ट आ जाता है, लेकिन इस बार कोरोना वायरस की वजह से रिजल्ट थोड़ा सा लेट हो गया है। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, विश्वास रखिए, और आगे अब जो आरआईएमसी देहरादून का फॉर्म निकलेगा वो मार्च में निकलेगा, और 1 और 2 जून को आरआईएमसी देहरादून का एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। अगले एग्जाम की तैयारी स्टार्ट कर दो। देखिए, सिंपल सा एक बेसिक सा आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, एक सक्सेसफुल आदमी में और एक फेल्ड आदमी में एक बहुत बेसिक सा डिफरेंस है। जो सक्सेसफुल आदमी होता है, जो सक्सेसफुल बच्चा होता है, वो कभी भी एक बार ट्राई नहीं करता है। वो
हार नहीं मानता है, वो एक बार ट्राई करेगा, दो बार ट्राई करेगा, तीन बार ट्राई करेगा, चार बार ट्राई करेगा। और जितने भी फेल्ड स्टूडेंट्स हैं, जितने भी फेल्ड पेरेंट्स हैं, वो क्यों है? क्योंकि वो एक बार ट्राई करते हैं, हार मान जाते हैं। आप समझिए, बेसिक सा कॉमन सेंस है। कई हमारे पेरेंट्स हैं, सोचते हैं एक महीने तैयारी करवाएंगे, हो गया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। सिर्फ फॉर्म भरवाते हैं, सोचते हैं सिर्फ फॉर्म भर के ही हो जाएगा। कई पेरेंट्स हमारे ऐसे हैं जो सिर्फ सोचते हैं बुक्स लेकर के बात बन जाएगी, बुक्स लेकर के हमारा बच्चा पेपर क्लियर कर देगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो सक्सेसफुल आदमी है वो सिंपल सा एक ब्लूप्रिंट छोड़ता है, उस ब्लूप्रिंट को आप लोग फॉलो कीजिए, आप लोग उसके पीछे पीछे चलिए, आपको सिलेक्शन क्यों नहीं मिलेगा, है ना। हमेशा देखिए, जो आदमी सक्सेसफुल है वो आपको खुद गाइड करेगा। ऐसे लोगों की गाइडेंस लीजिए जो खुद, जिन्होंने लाइफ में कुछ किया है, जो बड़े लेवल पे कुछ कर रहे हैं, है ना। हमारे यहाँ पे क्या होता है कि लोग फ्री गाइडेंस लेते हैं, और वो भी ऐसे लोगों से लेते हैं जिन्होंने खुद कुछ नहीं किया है, जिनके बच्चे खुद कुछ नहीं कर रहे हैं, वो लोग जाकर के उनसे एडवाइस लेते हैं। आप हमारे स्कूल में आइए, आपको एक बेस्ट एग्जाम्पल हम लोग देंगे, आप ऐसे बच्चों से मिलेंगे जो स्कॉलरशिप के माध्यम से बिल्कुल फ्री पढ़ रहे हैं। तो ये सारी चीजों का आपको ध्यान रखना है। और अब जो है स्कूल की जो गाइडलाइंस है वो आ चुकी हैं, और 14 और 15 दिसंबर से जो 10th और 12th क्लास को बुलाया जा रहा है, उसके बाद अगले मंडे से 8th क्लास तक के बच्चों को, 9th क्लास के बच्चों को और 6th क्लास के बच्चों को बुलाया जाना है, स्टार्ट हो चुका है। तो बिल्कुल भी घबराने की आपको जरूरत नहीं है। सुरेंद्र सिंह जी का मैसेज है, सर मैंने आज ही लड़की का सैनिक स्कूल क्लास 9th का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाया है कैरियर डिफेंस स्कूल में, उसके लिए कुछ मार्गदर्शन करें। सुरेंद्र जी बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपने कैरियर डिफेंस स्कूल में एडमिशन करवा दिया है तो इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जिन भी काउंसलर्स के माध्यम से आपने एडमिशन करवाया है, हमेशा उनका नंबर सेव करिए और हमेशा उनसे बातचीत करते रहिए। आपको कोई भी दिक्कत आती है, सबसे अच्छी चीज़ देखिए क्या होता है, कई बार पेरेंट्स यहाँ वहाँ पैसा दे देते हैं, बाद में लोग उनका फ़ोन नहीं उठाते, रिप्लाई नहीं करते हैं। अच्छी चीज़ क्या है कि यहाँ पे आपको मंडे टू सैटरडे आपको 7 डे आपको सर्विस मिल रही है, सुबह 9 बजे से लेकर के शाम को 7 बजे के बीच में। आप कभी भी कॉल करो, आप एडमिशन करवाएं ना करवाएं वो बात की बातें हैं, लेकिन आपको सर्विस बहुत अच्छी मिलेगी। आप हमारा एंड्रॉयड ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, उसके अंदर आपको बहुत सारी जानकारियां मिल जाएगी। बहुत सारे पेरेंट्स लाइव आ चुके हैं, तो मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि मैं आपकी मदद कर पाऊँ और आपके बच्चे गुरुकुल का फॉर्म भर पाएं टाइम से, है ना। 10 मार्च फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। कुछ एग्जाम डेट्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जवाहर नवोदय विद्यालय का 9th क्लास और 6th क्लास का जो फॉर्म है, 15 दिसंबर लास्ट डेट है, और जवाहर नवोदय विद्यालय का 9th क्लास का जो एग्जाम है वो 13 फरवरी को, और 6th क्लास का जो एग्जाम है वो 10 अप्रैल को कंडक्ट किया जाएगा। RIMC देहरादून की बात करें तो 9 जनवरी को एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। कोई भी बच्चा दिसंबर से लेकर के मार्च तक तैयारी कर सकता है, क्योंकि ये जो टाइम है बहुत क्रूशियल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने साल भर तैयारी नहीं करवाया कोई बात नहीं, अब आप दिसंबर से लेकर के मार्च तक आराम से तैयारी करवाओ, क्योंकि आपका जनवरी में आपका यूपी सैनिक स्कूल का पेपर है, RIMC देहरादून का पेपर है, ओक ग्रोव स्कूल का पेपर है, फरवरी में आपका सैनिक स्कूल का पेपर है, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का पेपर है, सेंट्रल, इसके बाद आपका किट्टूर सैनिक स्कूल का पेपर है, APS दक्षाई का पेपर है, और मार्च में आपका गुरुकुल का पेपर है, सेंट्रल हिंदू स्कूल का पेपर है। तो आपका बच्चा दिसंबर से लेकर के मार्च तक कंप्लीटली बिजी है, 10-10, 12-12 घंटे बच्चों को डेली पढ़ाया जाता है। तो आप 7419992928 पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। राकेश सिंह जी का मैसेज है, ओक ग्रोव स्कूल का एग्जाम सेंटर कहाँ कहाँ पर है? पूरे ऑल ओवर इंडिया में करीब करीब, मैं आपको बता दूं, 7-8 एग्जाम सेंटर बनाए गए हैं ओक ग्रोव स्कूल के लिए। तो आपको दिल्ली में मिल जाएगा, आपको देहरादून में मिल जाएगा। सबसे अच्छी बात क्या है कि जो बच्चे हमारे स्कूल में पढ़ते हैं राकेश जी, उनका फॉर्म भी हम भरते हैं, पेपर भी हम दिलवाते हैं। तो बेस्ट चीज़ क्या है, पेरेंट्स को सबसे अच्छी चीज़ क्या पसंद आती है कि वो आते हैं, बच्चे को छोड़ जाते हैं, फीस जमा करवा देते हैं, बच्चे को पेपर भी हम दिलवाते हैं, फॉर्म भी हम भरवाते हैं, इंटरव्यू की तैयारी, मेडिकल की तैयारी और फिजिकल की तैयारी भी हम ही करवाते हैं। जय प्रकाश जी का मैसेज है, जय प्रकाश सिंह जी का, मुझे मैसेज नहीं समझ में आया सर, आपका बुक से रिलेटेड कुछ मैसेज है तो प्लीज आपसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि प्रॉपर मैसेज कीजिए, या आप मुझे मेल कर दीजिए careerdefensschool@gmail.com पर। आपको 24 घंटे के अंदर हमारी टीम कांटेक्ट करेगी और जो भी आपकी क्वेरी है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है जी।
जय जी का मैसेज आ गया कि आपके स्कूल में मंदिर भी है। हमारे स्कूल में मंदिर भी है, मस्जिद भी है। बहुत बहुत शुक्रिया जय भाई। तो स्कूल में सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड चीज़ें, मैं बार बार कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ पे सभी धर्मों के बच्चे आते हैं। अगर हम वहाँ पे मंदिर भी बनाते हैं तो हमें मस्जिद भी बनाना पड़ेगा, हमें वहाँ पे गिरजाघर भी बनाना पड़ेगा, चारों धर्मों के बच्चों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसीलिए यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड ही बातचीत करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। पवन मिश्रा जी का मैसेज है, और सर क्या हाल है, यू आर सो ग्रेट, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया मिश्रा जी, थैंक यू सो मच। तो मैं आपको यही कहूंगा कि किट्टूर सैनिक स्कूल का जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 31 दिसंबर, 7 फरवरी को एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई 31 दिसंबर लास्ट डेट है, 14 फरवरी को एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। ठीक है जी, सैनिक स्कूल का 18 दिसंबर लास्ट डेट है, 7 फरवरी को एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। गुरुकुल कुरुक्षेत्र की बात करें तो फॉर्म निकल चुका है ऑनलाइन, और आप दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च में आराम से फॉर्म भर सकते हैं। 21 और 28 मार्च को एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। मनोज सिंह जी का मैसेज है, सर आपसे रिक्वेस्ट है कि आप 6 जैन 2021 को आप स्कूल में प्रेजेंट रहे। आई रिक्वेस्ट यू सर, हम आ रहे हैं बेटे को क्या के लिए, RIMC और यूपी सैनिक स्कूल के एग्जाम के लिए। मनोज सिंह जी बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं आपको बता दूं कि हम लोग स्कूल चलाते हैं, हमें खुद नहीं पता होता कि कल हमारे साथ क्या होने वाला है, कल हम कहाँ जाने वाले हैं, क्या करने वाले हैं। तो आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, स्कूल में प्रिंसिपल हैं, डायरेक्टर हैं, आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा, मज़ा आएगा। मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि जब भी आप लोग स्कूल विजिट करेंगे बहुत मज़ा आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, मनोज सिंह जी बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। ज्योतिका आर्या जी का मैसेज है, बहुत ही प्यारा मैसेज है सर, यू आर रियल हीरो। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। हीरो तो नहीं है लेकिन कुछ ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम बहुत लाखों करोड़ों लोग तो नहीं, तो लेकिन कुछ लोग याद रखें हमें, है ना। और 2000 हम लोग स्कॉलरशिप के माध्यम से पूरी कोशिश कर रहे हैं, और ज्योतिका जी आप लोगों का सपोर्ट बहुत अच्छा मिल रहा है, इसलिए हम लोग काम कर पा रहे हैं, पेरेंट्स आ रहे हैं, फीस जमा करवा रहे हैं। तो इस बार 2021 में हम लोग 100 स्टूडेंट्स को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसके पेरेंट्स के पास बहुत पैसा नहीं है लेकिन बच्चा पढ़ने में अच्छा है, ऐसे बच्चों के लिए हम खड़े हैं। अब आप ये बोलेंगे कि मेरे पास पैसा भी नहीं है, मेरा बच्चा भी पढ़ने में अच्छा नहीं है, तो मैं आपकी कोई मदद नहीं करूंगा। लेकिन हाँ, अगर आपका बेटा पढ़ने में अच्छा है, बेटी पढ़ने में अच्छा है, आप लेकर के आइए, स्कॉलरशिप में रजिस्ट्रेशन करवाइए। टॉप 100 स्टूडेंट्स में नाम आना कोई बड़ी बात नहीं है, देखिए, है ना। अगर 10-20 बच्चे होते तो मैं मानता भी हूँ, लेकिन टॉप 100 स्टूडेंट्स में नाम आना बहुत ईजी है, बच्चे को आप तैयारी करवाइए। जय प्रकाश जी का मैसेज, सर गुरुकुल और ज्योति सर में क्या फर्क है। देखिए, गुरुकुल की अलग अलग ब्रांचें हैं, गुरुकुल की डिमांड काफी ज्यादा है। गुरुकुल कुरुक्षेत्र में जिन बच्चों को एडमिशन नहीं मिल पाता है उन बच्चों को गुरुकुल ज्योति सर और गुरुकुल नीलोखेड़ी में एडमिशन मिल जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जल्दी आज ये आपको ऑनलाइन एक वर्चुअल ट्रिप करवा देते हैं स्कूल का। तो ये कुछ फोटोज हैं जिनको देख करके आपको मजा आएगा, बहुत ही अच्छा स्कूल है, बहुत ही सुंदर सा स्कूल है, और फीस बहुत कम है, सिर्फ 1 लाख रुपए में बच्चे को तैयारी करवाई जाती है, सारी की सारी स्मार्ट क्लासेस है। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, जिस भी स्कूल में आपका बच्चा पढ़ रहा है आप स्कूल में चले जाना, विजिट करना। पूरे स्कूल में अगर आपको गिन करके 2-3 स्मार्ट क्लासेस भी मिल गए तो आप मुझे जो बोलोगे मैं वो करूँगा। हमारे स्कूल में सारी स्मार्ट क्लासेस हैं, टीचर्स को पढ़ाने में भी मज़ा आता है, बच्चों को भी पढ़ने में मज़ा आता है। हॉस्टल में जो रूम्स हैं बहुत सुंदर सुंदर छोटे छोटे रूम्स बनाए गए हैं, मैस बहुत अच्छा है। सबसे अच्छी बात क्या है कि कैंटीन में बच्चे को हर चीज़ मिलती है, जैसे बच्चे ब्रेड पकौड़ा, सैंडविच, ठीक है, चाउमीन, मैगी, बच्चे जो भी खाना चाहते हैं वो सारी चीज़ें आपको कैंटीन में मिलती हैं। प्लेग्राउंड बहुत बड़े बड़े हैं, 5 पूरा 10 एकड़ का कैंपस है जिसमें 5 एकड़ का आपका ग्राउंड बनाया गया है। बात करते हैं, जो सब्जियां वगैरह हैं वो हमारे विद्यालय में ही उगाई जाती हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग वगैरह हमारे स्कूल में ही किया जाता है। तो अच्छी बात क्या है कि पूरी सेफ्टी है, सिक्योरिटी है। इस समय मैं आपको बता दूं कि पालक हो गया, मेथी हो गया, धनिया हो गया, ये सारी चीजें इस समय जो सीजनल सब्जियां हैं वो हमारे विद्यालय में ही उगाई जाती हैं। क्वार्टरली एजुकेशनल ट्रिप, देखिए मैं आपको फोटोज भी दिखा सकता हूँ, ये बच्चे हमारे राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में हम लोग बच्चों को विजिट करवा करके लाए थे, है ना। तो ये बड़ी मजेदार चीज है, बच्चों को हम लोग क्या नाम है
एजुकेशनल ट्रिप करवा करके लेके आए हैं, जैसे आपका सैनिक स्कूल हो गया, मिलिट्री स्कूल हो गया, गुरुकुल में हम लोग बच्चों को घुमा करके लेके आते हैं ताकि बच्चे वहाँ जाएं, बच्चों को यूनिफॉर्म में देखते हैं, मज़ा आता है, बच्चों को मोटिवेशन मिलता है, बच्चे भी ऑफिसर बनना चाहते हैं। हॉर्स राइडिंग की अगर हम लोग बात करें तो सैनिक स्कूल में 4,800 रुपये लिए जाते हैं, लेकिन हमारे इस विद्यालय में हॉर्स राइडिंग भी करवाई जाती है, एनसीसी की ट्रेनिंग है, स्मार्ट क्लासेज हैं। इसके अलावा दूध पीने के लिए बच्चों को गाय और भैंसे रखे गई हैं ताकि हम लोग बच्चों को बिल्कुल प्योर दूध पिला पाए, है ना, क्वालिटी के साथ, कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हैं। 500 कंप्यूटर की लैब बनाई गई है ताकि 400-500 बच्चे एक साथ आएँ, बैठें, टेस्ट दें, ताकि बच्चों को पता चले कॉम्पिटिशन का मतलब क्या होता है। अब कई बच्चे हैं कोचिंग सेंटर में पढ़ते हैं, वहाँ पर क्या होता है, 30 बच्चे हैं, 40 बच्चे हैं, वहाँ पे आपके बच्चे का कंपटीशन आपको नहीं समझ में आएगा। अगर आपको कंपटीशन में उतरना है तो आपको इस जंगल में आना पड़ेगा। अगर आपको रियल शेर बनना है तो आपको आपको पिंजरे में नहीं, आपको जंगल में उतरना पड़ेगा, तभी आपका बच्चा एक रियल टाइगर बन पाएगा। तो 500 कंप्यूटर की लैब है, बच्चे टेस्ट देते हैं साथ के साथ, पेरेंट्स को सारा ऑटोमेटिक सिस्टम है, पेरेंट्स के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर मैसेज आ जाता है। सबसे बड़ी बात क्या है कि 24 घंटे बच्चे को डॉक्टर्स मिलते हैं, 24 घंटे बच्चे को चोट लगी, कोई दिक्कत आ रही है तो आपको 24 घंटे डॉक्टर्स आपको मिल जाते हैं। अब सवाल ये आता है, कुछ पेरेंट्स का मैसेज आया है, दक्षाई में आर्मी वाले बच्चों की फीस कितनी है? निखिल जी, 1,60,000 रुपीज़ के करीब आर्मी वाले डिफेंस वालों का खर्चा आता है जो इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी से बिलोंग करते हैं। जय प्रकाश जी, गुरुकुल कुरुक्षेत्र का फॉर्म निकल चुका है। भाई जो फॉर्म निकला है पहले वो तो भर लो। जिन बच्चों को गुरुकुल कुरुक्षेत्र में एडमिशन नहीं मिलता है उन्हीं बच्चों को बाद में गुरुकुल ज्योतिसर और गुरुकुल नीलोखेड़ी में ट्रांसफर कर दिया जाता है। संदीप यादव जी का मैसेज है, संदीप यादव जी मैं आपको बता दूं कि इस समय सारे एप्लीकेशन फॉर्म निकल चुके हैं, सैनिक स्कूल, RIMC देहरादून, गुरुकुल कुरुक्षेत्र, ओ क्रोक स्कूल, आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई, सारे फॉर्म निकल जाने की वजह से जो कॉल्स हैं वो बहुत ज़्यादा आती हैं। तो आप 7419999928 पर कॉल करो, हमारी टीम आपकी मदद करेगी। वीडियो के नीचे हमने गुरुकुल के फॉर्म का लिंक दे दिया है, वेबसाइट का लिंक दे दिया है और आप नोटिफिकेशन भी पढ़ सकते हैं। संजय पटेल जी, सैनिक स्कूल का जो एग्ज़ाम है वो 7 फरवरी को कंडक्ट किया जाएगा पूरे ऑल ओवर इंडिया लेवल पे। वीरेंद्र सिंह जी का बड़ा ही प्यारा मैसेज आ चुका है, सर 6th क्लास में मुझे सैनिक स्कूल में एडमिशन करवाना है, उससे पहले मैं आपके स्कूल में 2 साल की तैयारी करवाने के लिए भेजूंगा, अभी वो 2nd क्लास में। बिल्कुल सर, मोस्ट वेलकम। अभी आपका बच्चा 2nd क्लास में है ना, आप उसको ओक ग्रोव स्कूल का फॉर्म क्यों नहीं भरवा रहे हो? 21 दिसंबर लास्ट डेट है, आप ओक ग्रोव स्कूल का फॉर्म भरवाओ 3rd क्लास के लिए। आपका 31 जनवरी को पेपर है, आपका बच्चा फॉर्म भरेगा, टेस्ट देगा, तभी तो सीखेगा ना। फिर उसके बाद क्या होगा, जब आपका बच्चा 3rd क्लास में जाएगा तो हम आपके बच्चे को ओक ग्रोव स्कूल का और राय स्पोर्ट स्कूल का फॉर्म भरवाएंगे। जब 4th में जाएगा तो हम आपके बच्चे को 5th क्लास के लिए गुरुकुल का फॉर्म भरवाएंगे, ओक ग्रोव स्कूल का फॉर्म भरवाएंगे, आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई का फॉर्म भरवाएंगे। तो वीरेंद्र सिंह जी, जितना छोटी एज से तैयारी करवाओगे उतना आपको फायदा होगा, ठीक है जी। हमारे स्कूल में 1st क्लास में बच्चे पढ़ते हैं, 2nd क्लास में बच्चे पढ़ते हैं, 3rd क्लास के बच्चे एडमिशन करवाते हैं। कई बार पेरेंट्स सोचते हैं सर बच्चा तो बहुत छोटा है, छोटा वोटा कुछ नहीं है, ठीक है, ये आपके देखने का नज़रिया है। कई बच्चे अभी 8वीं 9वीं में आ गए, उनकी मम्मी कहती है ये तो बच्चा बहुत छोटा है, तो हम उनको क्या करते हैं 2nd क्लास के बच्चों से मिलवाते हैं, 1st क्लास के बच्चों से मिलवाते हैं। निशा शर्मा जी का मैसेज है, सर आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, सुपर से भी सुपर। बहुत बहुत शुक्रिया निशा शर्मा जी, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। और पूरी कोशिश है कि हम किसी तरीके से जो हमारे हिंदुस्तान में जो छोटी छोटी फैमिलीज है, जो घर परिवार के बच्चे बिलोंग करते हैं, उनकी मदद की जाए। तो निशा जी, अगर आपका बच्चा पढ़ने में अच्छा है तो आप हमारे यहाँ लेकर के आइए, ऐसे बच्चों को हम स्कॉलरशिप के माध्यम से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं। आपको क्या करना है, स्कॉलरशिप का रजिस्ट्रेशन करवाना है। थैंक यू सो मच निशा जी। संदीप यादव जी का मैसेज है, गुरुकुल की एज लिमिट क्या है? गुरुकुल कुरुक्षेत्र एक ऐसा स्कूल है, सबसे बेस्ट, जहाँ पे आपको कभी भी एज की दिक्कत नहीं आती है। सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट होता है गुरुकुल में, कि अगर आपका बच्चा 4th में है तो 5th में एडमिशन मिल जाएगा, 5th में है तो 6th में मिल जाएगा, 6th में है तो 7th में एडमिशन मिल जाएगा। तो गुरुकुल कुरुक्षेत्र की खासियत क्या है कि यहाँ पे आपको एज क्राइटेरिया का पंगा नहीं आता है, जो सैनिक स्कूल में आता है, मिलिट्री स्कूल में आता है,
आपका REMC देहरादून में आता है तो आप गुरुकुल में आंख बंद करके एडमिशन करवा सकते हैं और आप सिर्फ ₹1,000 में हमारी मदद से एप्लीकेशन फॉर्म भरवा सकते हैं। जय प्रकाश जी का मैसेज, गुरुकुल अच्छा स्कूल है या फिर यूपी सैनिक स्कूल? देखिए, अगर आपको सैनिक स्कूल में पढ़ने का मौका मिल रहा है, मिलिट्री स्कूल में, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्योंकि मुझे पता है हर बच्चे को सैनिक स्कूल में, मिलिट्री स्कूल में या यूपी सैनिक स्कूल में एडमिशन नहीं मिल सकता, REMC देहरादून में एडमिशन नहीं मिलता है, तो ऐसे बच्चों को गुरुकुल में आंख बंद करके एडमिशन करवा लेना चाहिए। ऐसे बच्चों को कैरियर डिफेंस स्कूल अम्बाला में आराम से तैयारी करनी चाहिए, ठीक है जी। अब सवाल ये आता है कि सर आप लोग कौन कौन सा फॉर्म भरते हैं और पेपर दिलवाते हैं, तो मैं आपको बता दूं, फॉर्म तो हम सारे भरते हैं लेकिन पेपर कौन कौन सा दिलवाते हैं, पेपर जितने भी इंपॉर्टेंट पेपर हैं वो सारे हम दिलवाते हैं। सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, गुरुकुल कुरुक्षेत्र, गुरुकुल नीलोखेड़ी, ओक ग्रोव स्कूल, आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई, ठीक है, आपकी स्क्रीन पर है, ये सारे पेपर हम दिलवाते हैं। इसके अलावा आपका राय स्पोर्ट्स स्कूल, ये सारे फॉर्म भी हम भरते हैं, पेपर भी हम दिलवाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी स्कूल हैं जिसका पेपर हम नहीं दिलवाते हैं क्योंकि वो आपके स्टेट में होता है, जैसे REMC देहरादून, सेंट्रल हिंदू स्कूल, यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ, किट्टूर सैनिक स्कूल लड़कियों का जो होता है वो बेलगांव में होता है, और आपका जवाहर नवोदय विद्यालय का जो होता है वो आपके स्टेट में होता है, आपके शहर में होता है, आपके डिस्ट्रिक्ट में होता है, तो वो पेपर हम नहीं दिलवा पाते हैं, ठीक है जी। चलिए जी, तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, कुछ पेरेंट्स का सवाल आ चुका है। मनीष जी का मैसेज है, गुरुकुल कुरुक्षेत्र का एग्जाम कब होगा? 21 और 28 अप्रैल को गुरुकुल का एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। गुरुकुल कुरुक्षेत्र में आकर के आप अपने बच्चे को पेपर दिलवा सकते हैं। संडे का दिन है, रविवार का दिन है, और आपको बता दूं कि पेपर जो है वो सुबह आपका 10 बजे स्टार्ट हो जाता है, तो आपको 9 बजे आपको वहां पे रिपोर्ट करना होता है, टाइम से आपको पहुंचना होता है, ठीक है जी। काफी भीड़ लगती है, और मैं आपको बता दूं कि करीब करीब 20,000 बच्चे पूरे ऑल ओवर इंडिया से यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं। अनिल कुमार जी का मैसेज है, गुरुकुल कुरुक्षेत्र के बेनिफिट्स क्या है? देखिए, गुरुकुल पहली बात तो एक संस्था का स्कूल है, ट्रस्ट का स्कूल है, 1,25,000 रुपए में रहना, पीना, खाना, बुक्स, बैग, मटेरियल, ड्रेस, हॉर्स राइडिंग, स्विमिंग, NCC की ट्रेनिंग, ये चीज़ें कहाँ मिलती हैं? तो गुरुकुल की एक खासियत है कि यहाँ पे बच्चों को बहुत ही मिनिमम फीस में आगे के लिए तैयार किया जाता है ना। तो आपका बच्चा अगर घर पे भी पढ़ रहा है तो भी बच्चे का वैसे ही 80-90 हज़ार रुपये तो वैसे ही खर्चा आ जाता है, 50-60 हज़ार रुपये फीस है, 30-40 हज़ार रुपये कोचिंग का खर्चा आता है, तो 1,00,000 रुपये का खर्चा तो आपका वैसे भी घर पे आ जाता है ना। तो गुरुकुल जैसे स्कूल, कैरियर डिफेंस स्कूल जैसे, ये कुछ ऐसे स्कूल हैं जो आपको बहुत ही मिनिमम फीस में बच्चों को तैयारी करवाते हैं। जो बच्चे छोटे परिवार से बिलोंग करते हैं, पढ़ने में अच्छे होते हैं, माँ बाप के पास ज़्यादा पैसा नहीं है, है ना, और देखिए यहाँ पे आपको मतलब सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं, 24 घंटे डॉक्टर्स हैं, स्मार्ट क्लासेस हैं, आपके 200 से भी ज़्यादा कैमरे लगाए गए हैं, 500 कंप्यूटर की लैब है, ऑर्गेनिक फार्मिंग है, ठीक है, NDA की ट्रेनिंग करवाई जाती है, दूध पीने के लिए गाय और भैंसें रखी गई हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग है, स्कूल में ही सब्जियाँ वगैरह सब लगाई जाती हैं, तो सोचिए टीचिंग क्वालिटी कितनी हाई होगी, है ना। संतोष कुमार गुप्ता जी का मैसेज है, बच्चे को कितने साल की तैयारी करवाने के लिए आपके पास रखते हैं? देखिए, जितना ज़्यादा छोटी एज में लेकर के आएंगे उतना ज़्यादा फायदा होगा। अब ये तो आपको पता होगा कि आपका बच्चा पढ़ने में लिखने में कैसा है, इंटरेस्टेड है कि नहीं है, है ना, लाइफ में क्या करना चाहता है, कैसा गोल है। बाकी मैं तो यही कहता हूँ कि पेरेंट्स को अगर आप 3rd क्लास में बच्चे को ले आएँ, 4th क्लास में ले आएँ तो बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि 6th क्लास के लिए जो सीट्स होती हैं वो 100 सीट्स होती हैं। अगर आप लेट लेकर के आएंगे तो 9th क्लास में सिर्फ 15-20 सीटें ही होती हैं। राज पुष्कर जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, ठीक है जी, और आपको, आप महाराष्ट्र से हैं और आप इंडियन आर्मी से हैं, तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी। जो बच्चे आसपास के हैं उनको सिर्फ 1 हफ्ते के लिए भेजा जा रहा है, क्योंकि सैनिक स्कूल के जो एग्ज़ाम की डेट है वो पोस्टपोन्ड हो चुकी है, 7 फरवरी हो चुकी है। तो राज पुष्कर जी, आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, हम आपके साथ हैं, और हम लोग भी डिफेंस से हैं और हमारे फादर भी इंडियन आर्मी से हैं, तो आपको बिल्कुल आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा, हम लोग इन चीज़ों को समझते हैं। तो
आगे ये कुछ रिजल्ट्स हैं सैनिक स्कूल के, यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ के, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के, और गुरुकुल कुरुक्षेत्र के, आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई के, ठीक है जी। नंदलाल जी का मैसेज है, 1,25,000 देना पड़ता है पर ईयर। बिल्कुल जी, गुरुकुल की जो फीस है वो 1,25,000 रखी गई है, जो कि बहुत कम है। ये एक ट्रस्ट का स्कूल है और करीब करीब 108 साल पुराना है, तो आप इसका फायदा उठाइए, ठीक है जी। स्कूल बहुत जबरदस्त है और आप लोग इसका फायदा उठा सकते हैं। अनवी सूद जी का मैसेज, कैन यू शेयर लास्ट 3 ईयर पासिंग ट्रैक। देखिए मैं आपको बता दूं कि बड़े आराम से हर साल हमारे जो 40% 50% जो बच्चे हैं, बड़े आराम से वो सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल में निकल जाते हैं, ठीक है जी। लेकिन जो बच्चे नहीं निकल पाते हैं उनको हम किसी न किसी तरीके से गुरुकुल में निकाल देते हैं, गुरुकुल कुरुक्षेत्र में, गुरुकुल नीलोखेड़ी में, ओक ग्रोव स्कूल में, आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई में, जो बचते हैं वो निकल जाते हैं। और जो 20% बच्चे इन स्कूलों में नहीं निकल पाते हैं उनको हम 1 साल फिर तैयारी करवाते हैं, ठीक है जी। क्योंकि हर बच्चे का लेवल अलग होता है, हर बच्चे का स्कूलिंग अलग होता है, फैमिली बैकग्राउंड अलग होता है, तो ज़रूरी तो नहीं है कि हर बच्चा 1 साल में ही सेलेक्ट हो जाए। तो जो बच्चा 1 साल में सेलेक्ट नहीं हो पाता है उसको हम 2 साल तैयारी करवाते हैं। तो जल्दी से जल्दी मैं आपको यही कहूंगा कि आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और खासकर जो लोग फेसबुक पर देख रहे हैं वो फेसबुक पर देख रहे हैं वो वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि आपके जो फ्रेंड सर्कल में लोग हैं, जो आपके रिलेटिव्स हैं, जो आपके घर परिवार में लोग हैं, उनको इस तरह की वीडियोस मिल पाएँ, वो भी इस वीडियो को शेयर कर पाएँ। और अगर आप मुझे डायरेक्टली आप कोई भी शिकायत लिखना चाहते हैं, कोई फीडबैक देना चाहते हैं, तो आप careerdefensschool@gmail.com पर आप मुझे मेल कर सकते हैं, ठीक है जी। अनवी सूद जी का मैसेज आया, थैंक्स फॉर शेयरिंग इन्फॉर्मेशन। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, बहुत बहुत शुक्रिया मैम। देखिए मैं फ्रेंकली आपको बताऊंगा कि देखिए हर बच्चा तो सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल में नहीं निकल पाता है, लेकिन हमारा जो मॉडल है, जो हमारा सिस्टम है, वो बहुत अच्छा है। क्योंकि हम लोग बच्चे के, जो बच्चे साल भर तैयारी करते हैं उनके हम 5 फॉर्म भरते हैं। तो अगर सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल में नहीं भी निकल पाता है तो ऐसे बच्चे गुरुकुल में, ओक ग्रोव स्कूल में, आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई में निकल जाते हैं। कॉन्फिडेंस बढ़ता है, बच्चा मोटिवेटेड फील करता है, और बच्चा अब और जोर लगाता है। उसको ये यकीन हो जाता है कि अगर मैं गुरुकुल निकाल सकता हूँ, आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई निकाल सकता हूँ, ओक ग्रोव स्कूल निकाल सकता हूँ, तो भाई मैं सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल क्यों नहीं निकाल सकता, है ना। अंसारी जी का मैसेज है, सर स्कॉलरशिप फॉर्म का क्या मतलब होता है। देखिए बहुत सारे बच्चे पूरे ऑल ओवर इंडिया से हर साल आते हैं, तो बहुत सारे जो जो बच्चे पढ़ने में अच्छे होते हैं उन बच्चों को हम स्कॉलरशिप देते हैं। 2021 में ऐसे टॉप 100 बच्चों को हमारे विद्यालय में बिल्कुल फ्री हो पढ़ाया जाएगा। तो आप भी अपने बच्चे का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, और अगले साल के लिए आप सिर्फ 10,000 रुपये देकर के स्कॉलरशिप के लिए रजिस्ट्रेशन करवाइए। अगर आपका बच्चा टॉप 100 स्टूडेंट में आता है तो आपके बच्चे को 1 साल बिल्कुल फ्री पढ़ाया जाएगा। ये कुछ बच्चे हैं जो स्कॉलरशिप के माध्यम से हमारे स्कूल में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ रहे हैं। और अगर आप विजिट करते हैं, आप हमारे विद्यालय में आते हैं, तो हम आपको ऐसे बच्चों से मिलवाएंगे, मेरा आपसे वादा है, ठीक है। तो देखिए इन बच्चों को, पेरेंट्स को, इन बच्चों के पेरेंट्स को अपने बच्चों पे कितना गर्व होगा, कितना प्राउड फील होता होगा कि ये बच्चे आज की डेट में, जैसे स्तुत्य शुक्ला जी हैं, सूर्यांश जी हैं, अंजलि पटेल, ये 2 भाई बहन हैं, अंजलि पटेल है और एक आकाश पटेल है, 2 भाई हैं, जो भाई बहन है, जो दोनों टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ रहे हैं। सोचिए आप पेरेंट्स को कितना प्राउड फील होगा, कितना अच्छा लगता होगा, कितना मजा आता होगा, है ना। तो आप भी अपने बच्चे को तैयारी करवाइए, 15 बुक्स का सेट हम आपको दे देंगे, स्कॉलरशिप के लिए अपने बच्चे को प्रिपेयर करो। स्कॉलरशिप टेस्ट जो बच्चे हमारे स्कूल में पढ़ रहे हैं वो भी देते हैं, जो हमारे स्कूल के बाहर के बच्चे हैं वो भी देते हैं। अब ऐसा नहीं है कि अगर आपने एक बार स्कॉलरशिप टेस्ट क्लियर कर दिया है तो अगले साल आपको फ्री पढ़ाएंगे। आप समझिए आपको हर साल स्कॉलरशिप टेस्ट देना पड़ेगा। तो इससे क्या होता है, बच्चा हर साल मेहनत करता है, जोर लगाता है, पेरेंट्स भी ध्यान देते हैं, है ना। आदर्श कुमार जी, आपका बच्चा अगले साल सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल का फॉर्म भर सकता है 2022 में। आदर्श, लेकिन इस साल आपका बच्चा सारे फॉर्म भर सकता है, ओक ग्रोव स्कूल, आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई, राय स्पोर्ट स्कूल, भोसला मिलिट्री स्कूल, सारे फॉर्म भर सकता है। जय प्रकाश जी को मैंने बड़े प्यार से समझा दिया है कि सैनिक स्कूल जो होते हैं वो ज़्यादा बेटर होते हैं। अगर आपको सैनिक स्कूल में एडमिशन मिलता है तो बेस्ट है, नहीं तो फिर उसके बाद आप गुरुकुल हो गया, ओक ग्रोव स्कूल हो गया, आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई हो गया,
ठीक है जी, फिर वो आपके आ जाते हैं, गुरुकुल अपनी जगह पे है। देखिए गुरुकुल में वो बच्चे पढ़ते हैं जो आगे चल के डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, जबकि सैनिक स्कूल में सिर्फ वही बच्चे पढ़ते हैं जो आगे चल के सेना में जाना चाहते हैं, आर्मी ऑफिसर्स बनना चाहते हैं। तो दोनों में काफ़ी फर्क होता है, ठीक है जी। तो इस तरीके से हम लोग गुरुकुल को और सैनिक स्कूल को डायरेक्टली ऐसे कंपेयर नहीं कर सकते हैं। दीपक चौधरी जी, अपने बच्चे का डेट ऑफ बर्थ बताइए, वीडियो के नीचे मैसेज करो, तभी मैं आपकी मदद कर पाऊंगा। 9th क्लास के लिए बच्चे का डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए 1 अप्रैल 2006 से लेकर के 31 मार्च 2008 के बीच में बच्चे का डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए सैनिक स्कूल राजकीय मिलिट्री स्कूल का एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए। दीपक जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका मैसेज करने के लिए। तो दीपक जी मैं आपको यही कहूँगा कि आप दिसंबर से लेकर के मार्च तक आराम से तैयारी करवाओ, क्योंकि आपका बच्चा दिसंबर से लेकर के मार्च तक बिल्कुल बिजी है। सारे एग्जाम आपके जनवरी में, कुछ एग्जाम आपके जनवरी में हैं, कुछ फरवरी में हैं, कुछ मार्च में हैं, और अप्रैल से आपके बच्चे के नेक्स्ट ईयर की क्लासेज आपकी स्टार्ट हो जाती हैं। तो जिन पेरेंट्स ने गलती करी है, जो पेरेंट्स अपने बच्चे को प्रॉपरली तैयारी नहीं करवा पाए हैं 1 साल की, वो बच्चे कहते हैं ना, उन पेरेंट्स को अभी भी मौका मिल रहा है दिसंबर से लेकर के मार्च तक डायरेक्टली तैयारी करवाने का। तो आप लोग देखो, निशा शर्मा जी का बड़ा ही प्यारा मैसेज है, मेरे बेटे का सैनिक स्कूल सुजानपुर में सिलेक्शन हो गया है। अरे वाह, क्या 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 बात है मैडम, कॉन्ग्रेचुलेशन। और अगर आपके बेटे का सैनिक स्कूल में हो गया है, तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप अपने बच्चे को और मोटिवेटेड करो, और बच्चे को मिलिट्री स्कूल और RIMC देहरादून के लिए तैयार करो। हमारे यहाँ पे भी कई बच्चे सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल में निकल जाते हैं, हम पेरेंट्स को समझाते हैं कि बच्चे को RIMC देहरादून के लिए 1 साल और रिस्क लो, लेकिन पेरेंट्स रिस्क नहीं लेते हैं, पेरेंट्स अपने बच्चे को सैनिक स्कूल में भेज देते हैं। जयमाल सिंह जी, घबराने की कोई भी बात नहीं है, आप लोग क्यों परेशान हो जाते हैं छोटी छोटी बातों पे। आप कल सुबह कॉल कीजिएगा, हमारे काउंसलर्स आपकी बिल्कुल मदद करेंगे, ठीक है जी। आप लोग सिर्फ एक मैसेज छोड़ दिया करो व्हाट्सएप पे, आपको अपने आप कॉल आ जाएगा। दीपक चौधरी जी, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल परफेक्ट है 9 मार्च 2008, और आपके बच्चे की किस्मत बहुत अच्छी है, डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल परफेक्ट है, और आपका बेटा 9 मार्च 2008 के अकॉर्डिंगली लगातार 2 साल सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल का फॉर्म भर सकता है, लगातार 2 साल, ठीक है जी, लगातार 2 साल आपका बच्चा फॉर्म भर सकता है, लगातार 2 साल। तो सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल सारे फॉर्म भर सकता है। मिश्रा जी बहुत बहुत शुक्रिया मैसेज करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो आज का जो लाइव सेशन है, मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ, और आशा करता हूँ कि आपको मेरा काम पसंद आ रहा है, ठीक है जी। तो जो भी बच्चे दिसंबर से लेकर के मार्च तक एडमिशन लेना चाहते हैं, 7419999928 पर कॉल कर सकते हैं, और मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि आपको एडमिशन नहीं करवाना है, आपको पहले आना है, स्कूल विजिट करना है 1 बार 2 बार 3 बार, जब आपको कॉन्फिडेंस आए, जब आपको अच्छा लगे, आप हर चीज़ को प्रॉपरली चेक कीजिए। जब तक आपको सारी चीज़ें 100/100 नंबर आप हमारे स्कूल को नहीं दे देते, तब तक आपको एडमिशन नहीं करवाना है, सीधी बात। बाकी स्कॉलरशिप के लिए ज़रूर रजिस्ट्रेशन करवाइए, क्या पता आपके बच्चे की स्कॉलरशिप में अगले साल फोटो लगे, है ना। तो 2018 में हमने 11 बच्चों को, 2019 में हमने 31 बच्चों को, 2020 में हमने 51 बच्चों को, और अब 2021 में हम लोग 100 बच्चों को बिल्कुल फ्री पढ़ाने जा रहे हैं। टारगेट क्या है? टारगेट है गांव से, छोटे छोटे शहरों से, छोटी छोटी फैमिलीज से बच्चों को ढूंढ करके निकालना, ऐसे पेरेंट्स को और बच्चों को मोटिवेट करना जो लाइफ में आगे कुछ बड़ा कर सकते हैं, लेकिन उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है। तो अगर आप जोर लगाएंगे तो आपके बच्चे का फ्यूचर बन जाएगा, और अगर ये बच्चे आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई में सेलेक्ट हो सकते हैं, गुरुकुल में हो सकते हैं, मिलिट्री स्कूल में, सैनिक स्कूल में हो सकते हैं, तो आपका बच्चा क्यों नहीं हो सकता, सीधा सा सवाल है मेरा, ठीक है जी। एक बार तो ये कुछ स्कूल की फोटोज़ हैं, जाने से पहले आपको एक बार विजिट करा देते हैं, सारी स्मार्ट क्लासेस हैं, मैस बहुत खुला डुला है, कैंटीन में बच्चों को स्नैक्स वगैरह में हर तरह की फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, प्ले ग्राउंड बहुत खुले डुले हैं, सब्जियाँ वगैरह सब स्कूल में ही उगाई जाती हैं,
एजुकेशनल ट्रिप है, ये मिलिट्री स्कूल की फोटो है आपके सामने है। मैं जब भी आपसे बात करूंगा हमेशा प्रूफ के साथ बात करूंगा, तभी मजा आता है काम करने में और तभी ट्रस्ट बढ़ता है। 4 साल से मैं वीडियोस बना रहा हूँ, 4 साल से, और हर रोज लाइव आता हूँ। सिर्फ यही ढूंढता हूँ कोई पेरेंट्स कंप्लेंट तो करे ताकि मैं अपना सिस्टम इम्प्रूव करूँ, कोई पेरेंट्स कंप्लेंट तो करे ताकि मैं अपना सिस्टम इम्प्रूव करूँ। ठीक है, तो आप 7419992888 पर कॉल करके कोई भी जानकारी ले सकते हैं। हॉर्स राइडिंग की ट्रेनिंग होगी, दूध पीने के लिए गाय और भैंसे हॉस्टल में रखे गई हैं, 500 कंप्यूटर की लैब है, 24 घंटे आपको डॉक्टर्स यहाँ पे मिल जाएंगे। तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कल फिर मिलेंगे रात को 9 बजे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।